ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। जोधपुर शहर में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों का आंदोलन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। रविवार के बाद जोधपुर शहर में कचरा नहीं उठा है। शहर की गली मोहल्लों में पड़ा कचरा अब परेशानी बनने लगा है। बुधवार को सफाई कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर काला दिवस मनाया और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जोधपुर में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। पानी के टांके में गिरी लड़की को बचाने में बड़ा हादसा हो गया। लोहे की सीढ़ी ऊपर बिजली के खुले तार से टच हो गई, जिससे करंट की चपेट में 8 लोग आ गए। 5 जख्मी हैं, इसमें से 2 की हालत गंभीर बनी है। मामला फलोदी के मंडला गांव का है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कर्नाटक में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सचिन पायलट से लेकर बीजेपी पर अपनी बात रखी। वो तो ये कहेंगे और क्या कहेंगे, वो घबराए हुए हैं, वो बहुत घबराए हुए हैं इस बार। और उनके कोई सामने कौन है, कोई उम्मीदवार नहीं उनका। वो मोदी जी के नाम से इलेक्शन लड़ेंगे बार बार कह रहे हैं, तो मोदी जी 200 विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार बनेंगे इस बार। 200 विधानसभा क्षेत्र में मोदी जी उम्मीदवार होंगे उनके, ये उनके कहने का मतलब। तो इसका मतलब लोग समझते भी हैं, तो ये हमें गुमराह कर रहे हैं। राजस्थान के 8 जिलों में 6 मई से पानी का संकट हो सकता है। संकट इतना बड़ा है कि पुलिस को इंदिरा गांधी नहर पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों को नहर से 5 मई तक ही पानी मिल सकेगा। इसके बाद स्टोरेज हुए पानी से वाटर सप्लाई करनी पड़ेगी। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद सियासत तेज हो गई है। इस घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन करने का वादा किया गया है। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने राजस्थान में बजरंग दल पर बैन करने के सवाल पर कहा, चलिए कर्नाटक और राजस्थान कोई अलग अलग नहीं है। हम बिल्कुल, अगर यहाँ भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे। जय श्री राम के नारे लगा के और बड़े से बड़ा ये अपराध कारित कर देते हैं तो कांग्रेस पार्टी इनको छूट नहीं दे। कई जिलों में अगर देखेंगे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है और संगीन मुकदमे हैं, उन लोगों को चुन चुन के बजरंग दल में भर्ती किया जा रहा है। जयपुर शहर में सुबह 11 बजे हवाला का काम करने वाले एक युवक के साथ 20 लाख की ठगी हुई। बदमाशों ने खुद को पुलिस कर्मी बताकर 20 लाख पैसों से भरा हुआ बैग लेकर भाग गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है जो इनको पकड़ेंगे। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में बीती शाम मौसम का जबरदस्त कहर उमटा है। चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में देर शाम मौसम से हुए बदलाव के जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। इससे इन जिलों के कई गांवों में खेत ओलों की सफेद चादर से ढके नजर आए। उदयपुर में शातिर महिला चोरों द्वारा दिन दहाड़े 1.5 तोले सोने के झुमके चुराए जाने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी में यह घटना कैद होने के बाद ज्वेलरी शॉप मालिक ने थाने में मामला दर्ज कराया। प्रतापगढ़ शहर में एक प्लाईवुड व्यापारी से मारपीट का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में 2 युवक व्यापारी से दुकान के एक अंदर घुसकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर में रिंग रोड पर हुए भयानक हादसे में 3 लड़कियों समेत 4 की मौत हो गई। कार में सवार 2 युवक की हालत अब भी गंभीर है। टक्कर इतनी तेज हुई कि कार का इंजन टूटकर नीचे गिर गया। स्टीयरिंग ड्राइवर सीट से आकर चिपक गया। पुलिस को कार में बियर के कैन, गुटके, सिगरेट मिली है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। गुजरात हाई कोर्ट ने असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत कुल 1778 पदों पर भर्तियां की जाएगी। ग्रेजुएट उम्मीदवार गुजरात हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। कर्नाटक के मैसूर में इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस कैंडिडेट अशोक कुमार राय के भाई को घर से 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों ने बुधवार को उनके भाई सुब्रमण्यम राय के घर पर रेड डाली। यहां पर उन्हें एक पेड़ पर डिब्बे में रखे 1 करोड़ रुपए मिले।
पहलवानों के समर्थन में मार्च निकाल रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं छात्राओं ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है। रविवार को बजरंग पूनिया ने छात्रों से समर्थन मांगा था। पहलवानों ने छात्राओं से दिल्ली पुलिस की अभद्रता की निंदा की है। पीटी उषा मैडम यही बोलने आई कि भाई मैं एक खिलाड़ी होने के नाते आप लोगों के बीच आई, पहले मैं खिलाड़ी हूँ और मैं आप लोगों के साथ हूँ और हम आपको न्याय दिलाएंगे। सीबीआई ने पूर्व CMD आर के गुप्ता और बेटे गौरव को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि उनके कई ठिकानों से 38 करोड़ रुपए नगद जब्त किए गए हैं। उनके दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम, सोनीपत और गाजियाबाद सहित लगभग 19 ठिकानों पर लगातार 2 दिन छापेमारी की गई। इसमें 38 करोड़ रुपए नगद व कई अन्य कीमती सामानों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। अमेरिका में एक कमीशन ने भारत धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में ब्लैकलिस्ट करने का सुझाव दिया है। कमीशन ने भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। अफगानिस्तान में हर रोज करीब 167 बच्चों की मौत हो रही है। BBC के मुताबिक अफगानिस्तान के बेस्ट हॉस्पिटल में भी कई कमरे बीमार बच्चों से भरे हुए हैं। अस्पतालों में एक बेड पर कम से कम 2 बच्चे भर्ती हैं। वहीं 60 बच्चों के वार्ड में देखरेख के लिए सिर्फ 2 नर्स काम कर रही हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में बॉलीवुड में लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों पर बात की। उन्होंने बताया कि इसका कारण बिग बजट फिल्में और प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें न तो कोई कहानी होती है और न ही एक्टिंग। मेकर्स लगातार इस तरह की फिल्में परोस रहे हैं जिन्हें ऑडियंस ने कई बार रिजेक्ट किया है। किंग खान अब अपनी फिल्म डंकी और जवान को लेकर चर्चा में है। वहीं इस बीच किंग खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग जमकर निंदा कर रहे हैं। KL राहुल आज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के बाद कैप्टनसी छोड़कर स्कैन के लिए मुंबई जाएंगे। ऐसे में राहुल की गैर मौजूदगी में उनकी जगह कप्तानी की जिम्मेदारी कृणाल पांड्या संभालेंगे। कृणाल ने KL के चोटिल होने के बाद RCB के खिलाफ बाकी बचे मैच में कप्तानी की थी। लखनऊ के इकाना में 1 मई को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लखनऊ सुपर जायंट से मैच के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। साउथ कोरियाई टेक कंपनी सैमसंग ने अपने कर्मचारियों के ChatGPT और AI टूल इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। सेंसिटिव डेटा लीक होने के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।